फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं श्वेता। और फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूं बहुत ही ज्यादा एक सिंपल सा इफेक्टिव DIY जिसे हर कोई स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं। इसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं बहुत ही आसानी से अपने किचन में मिलता है, बहुत ही इजी टू मेक और बहुत इजी टू अप्लाई। तो फ्रेंड्स इससे बहुत ही अच्छा सा शाइनिंग चेहरा आता है और आपका चेहरा बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सपल बनता है। कितना भी ज्यादा डलनेस हो उसमें भी ये निखार आता है। जैसा कि अभी लॉकडाउन है, आप पार्लर नहीं जा सकते, तो घर बैठे ही आप आसानी से इस पैक को लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा आपका चेहरा स्मूथ और शाइनिंग हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स इसके लिए हमें लगेगा राइस फ्लावर जो इजिली अवेलेबल होता है हर किसी के घर में। तो आपको कोई भी चावल लेना है उसे अच्छे से बारीक पाउडर में बिल्कुल पीस लेना है और इसे आप बनाकर भी रख सकते हैं। जब आपको यूज करना है आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। बट इसका पाउडर जो चावल का हमने लिया है बहुत ही अच्छा सा फाइन होना चाहिए ताकि आपके स्किन में कोई भी रैशेज ना पड़े। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ लेमन जूस। तो जिनको लेमन जूस सूट नहीं करता है वो इसमें टोमेटो जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो राइस फ्लावर आपकी स्किन व्हाइटनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जिनको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होता है उसे ये कम करता है, लाइटन करता है, आपके चेहरे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, दाग धब्बे को मिटाता है। और साथ में जिनको ब्लैक हेड्स के प्रॉब्लम होते हैं फ्रेंड्स उसे भी ये सॉल्व आउट करता है। लेमन में होता है नेचुरल ब्लीच, ये आपके स्किन के जो पिगमेंटेशन होता है उसे ये रिमूव करता है, साथ में स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग देता है। अगर आपको ये सूट नहीं करता है तो आप टोमेटो जूस भी लगा सकते हैं, वो भी इंस्टेंट शाइनिंग ग्लोइंग स्किन देता है। तो इस तरह से मैंने हाफ लेमन जूस को स्क्वीज कर लिया है। मैं इसमें डालूंगी कर्ड यानी दही। तो दही इतना डालना है कि एक अच्छा सा ये पेस्ट बन जाए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। जिनका बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ड्राई स्किन है वो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं या बादाम का तेल जो होता है आलमंड ऑयल उसे भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं इसमें ओनली 3 चीजें ही ऐड करूंगी और इसमें उतने हिसाब से ही आपको दही डालना है कि एक स्मूथ सा पैक बन जाए। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सा आप देख सकते हैं एक राइस क्रीम बनकर तैयार है और इसका आपको चेहरे पे लगाना है। पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, ऑलरेडी मैंने फेस को वॉश कर लिया है। आपको भी इसी तरह से अप्लाई करना है और इसका हम थिक लेयर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल थिक लेयर होना चाहिए अपने चेहरे पे। तो इसको अप्लाई करना है, बिल्कुल थिक लेयर से अप्लाई करेंगे और इसे मसाज करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। पहले लगा लेते हैं फिर इसे हम मसाज करेंगे और नॉर्मल ड्राई होने देंगे, फिर फेस को वॉश कर लेना है। इसे हफ्ते में आप 2 से 3 बार फ्रेंड्स लगा सकते हैं। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जो भी राइस आप लेंगे अच्छे से बिल्कुल फाइन पाउडर करना है और दही इतना ऐड करना है कि ये बिल्कुल क्रीम सा राइस क्रीम बनकर तैयार हो। बहुत ही सिंपल सा होम रेमेडी है बट जैसा कि हमें पता नहीं होता है कि घर की बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं जिससे हम बिल्कुल कम खर्च में बहुत ही अच्छा सा शाइनिंग निखार पा सकते हैं। और वैसे भी नेचुरल रेमेडी से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और आपका स्किन जो नेचुरल ग्लो करता है। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है, अब इसे हल्के हाथ से मसाज करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है आपको। तो इससे जो डेड स्किन होता है वो रिमूव होता है, टैनिंग रिमूव होता है, साथ में आपका स्किन बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट होता है आइस को छोड़ के, क्योंकि आइस बहुत ही ज्यादा नाजुक हिस्सा होता है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट पार्ट। इस तरह से हम एटलीस्ट 1 मिनट भी आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 1 मिनट के लिए आपको मसाज करना है, फिर इसके बाद नॉर्मल ड्राई होने के बाद जब आप इसे धोएंगे तो आप खुद ही फील करेंगे स्किन में बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है। मैंने और लिया है पैक और इसे अच्छे से लगा ले रही हूँ। फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए मैंने मसाज कर लिया है और आप देख सकते हैं स्किन में अभी भी जो राइस क्रीम है। तो अगर आपको लगे कि नहीं है तो आप लगा कर ही ड्राई कीजिएगा, तो मेरा ऑलरेडी है। अब इस तरह से अब मैं इसे ड्राई होने देती हूँ।
आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर चुका है। अब आपको नॉर्मल फेस को वॉश कर लेना है। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, स्किन बहुत ज्यादा स्मूदन होता है। इस तरह से फॉलो करना है, नाइट में ही स्पेशली इसे करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही ज्यादा स्किन आपका सॉफ्ट एंड सपल बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से नाइट में फॉलो करेंगे तो आप कोई भी सोप वगैरह यूज नहीं करना है, क्योंकि रात में बहुत अच्छे से आपका स्किन रिजुविनेट करता है, ब्रीथ करेगा। तो इस पैक को लगाने के बाद जब आप मॉर्निंग में देखेंगे, एक हफ्ते में ही आपका स्किन बहुत ज्यादा शाइनिंग करने वाला है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट अपलोड आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह से कोई दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।